गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं डॉक्टर व्योमा, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड में आज हम लेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आप सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसी के कंटिन्यूशन में थर्ड ईयर में हम पढ़ेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसा कि आपको पता है, आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, भले वो नोन हो या अननोन हो, उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एक बहुत यूजफुल टेक्निक है, जिससे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है ये तो आप जानते हैं, तो हम आज लेते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में काफी यूजफुल टेक्निक होती है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम न्यूक्लियस को काम में लेते हैं। हम जानते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते रहते हैं, स्पिन करते हैं अपने एक्सिस पे, और उसी में वो सर्कुलर पाथ में मूव भी करते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं नाभिक बीच में होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार रेखा के अंदर उसके अंदर मूव करता रहता है। और इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, जैसा कि हम जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी जब अपने एक्सिस पे स्पिन करता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। इसी प्रकार जो न्यूक्लियस है वो उसके अंदर कई तरह के पार्टिकल्स हैं, और जो दो मेन पार्टिकल है वह न्यूक्लियस में जो उपस्थित है वो है प्रोटोन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज या धनात्मक आवेश होता है जिस पर, और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन ये अपने एक्सिस पे स्पिन करते रहते हैं, और अपने एक्सिस पे स्पिन करने के कारण इनके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है या चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाता है। तो ऐसे नाभिक को जिसके की चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो गया है, उसको हम किसी बाह्य नाभिक के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। तो ऐसे नाभिक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक तरह का उसमें इंटरेक्शन होता है, और उसी वक्त हम उसके ऊपर एक रेडियो वेव की एनर्जी की रेडिएशन अगर हम डालते हैं, तो इस तरह का न्यूक्लियस एक तरह का व्यवहार प्रदर्शित करता है, और उस व्यवहार के कारण उसके अंदर इस तरह की वहां पर पीक्स हमको प्राप्त होती हैं। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रा होता है उसको हम कहते हैं, इस तरह का जो स्पेक्ट्रा हमको प्राप्त होता है इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रा, एनएमआर स्पेक्ट्रा। तो बेसिकली एनएमआर स्पेक्ट्रा में होता क्या है, न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, और उसी वक्त अगर हम रेडियो वेव डालते हैं तो एक पर्टिकुलर स्थान पर वो रेडियो वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है और लोअर फ्रिक्वेंसी से हायर फ्रिक्वेंसी में चला जाता है, और इस स्थान पर पदार्थ की संरचना के आधार पर हमको एक पीक दिखाई देती है। इस तरह स्ट्रक्चर के अंदर कई सारे न्यूक्लियस हैं, तो हमको कई सारी पीक हमको दिखाई देंगी, और हमको एक स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा जिसको हम कहते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रा, और इस स्पेक्ट्रा के अध्ययन को हम कहते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली क्या है, न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो फ्रिक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला भाग, इन तीनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन होने के बाद हमको स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमको न्यूक्लियस का इंटरेक्शन के बारे में जानकारी मिलती है, पदार्थ की संरचना के बारे में जानकारी मिलती है, और हमको किसी भी अननोन पदार्थ की संरचना के बारे में हम पता लगा सकते हैं कि इसमें किस तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें किस तरह के हाइड्रोजन है, किस तरह के प्रोटॉन है, किस तरह के कार्बन एटम इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस सब की जानकारी हमको एनएमआर स्पेक्ट्रा से पता लग जाती है, इसीलिए एनएमआर स्पेक्ट्रा एक इम्पॉर्टेंट और बहुत पावरफुल टूल है किसी भी पदार्थ की संरचना को ज्ञात करने के लिए। तो हम देखते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रा को किसने सबसे पहले खोजा था, इसकी खोज किसने की थी। तो 1945 में दो साइंटिस्ट थे, फेलिक्स ब्लॉच एंड एडवर्ड प्रुसेल, जिन्होंने की एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को खोजा था और एक पेपर पब्लिश किया था 1946 में, और बाद में इनको 1952 में इसी वर्क के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को इन दोनों ने खोजा था। अब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है जिससे कि एनएमआर स्पेक्ट्रा हमको प्राप्त होता है? हमको पता है कि सारे एलिमेंट के अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं,
और न्यूक्लियाई पर धनात्मक आवेश उपस्थित होता है। हम ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पर घूर्णन करते हैं, स्पिन करते हैं। और अगर ऐसे न्यूक्लियाई जिसके अंदर की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती है, जिसमें कोई पेयरिंग नहीं होती है और कोई एक अनपेयर्ड प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बच जाता है, तो वो खुद अकेला रह जाता है, उसके साथ पेयरिंग नहीं हो पाती। अदरवाइज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, मैग्नेटिक जो मोमेंटम डेवलप होता है, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन अगर वहां पर ऑड नंबर में प्रेजेंट हो तो वो पेयरिंग नहीं हो पाती है और ऐसे सिंगल पार्टिकल के कारण वहां पर एक स्पिन चार्ज या न्यूक्लियर स्पिन डेवलप हो जाता है और ऐसे न्यूक्लियर स्पिन के कारण वहां पर मैग्नेटिक डायपोल डेवलप हो जाता है। और ऐसे नाभिक को अगर हम किसी बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बाह्य मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो इंटरेक्शन करता है। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो कुछ ऐसे न्यूक्लियाई जिसके अंदर की हमको स्पिन हाफ मिलता है वो है प्रोटोन है, कार्बन 13 है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है और फास्फोरस है। तो ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर की ऑड नंबर में है, या फिर जिनका हम कहते हैं जिनका की न्यूक्लियर स्पिन मोमेंटम जो है वो हाफ है, तो ऐसे न्यूक्लियाई के अंदर एनएमआर स्पेक्ट्रा प्रदर्शित होता है, या यूं कह सकते हैं कि इस तरह के जो नाभिक होते हैं वो एनएमआर स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करते हैं। तो इसी नाभिक के आधार पर हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर हमारा नाभिक प्रोटॉन है तो हम उसको प्रोटॉन एनएमआर या H1 एनएमआर कहते हैं। अगर हमारा नाभिक कार्बन 13 है तो उसको हम कार्बन 13 एनएमआर, नाइट्रोजन एनएमआर, फ्लोरीन एनएमआर या फास्फोरस एनएमआर कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा न्यूक्लियाई किस तरह का है, तो उसके आधार पर हम एनएमआर को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो प्रोटॉन एनएमआर, या यूं कह सकते हैं कि हमारे जो कोर्स में स्पेक्ट्रोस्कोपी है एनएमआर की, वो है प्रोटॉन एनएमआर, और हमारा सारा ध्यान प्रोटॉन पर ही रहेगा। मतलब जो भी स्ट्रक्चर, जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम काम में ले रहे हैं उसके अंदर उपस्थित प्रोटॉन न्यूक्लियाई के कारण उपस्थित जो स्पेक्ट्रा है उसका हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियाई है उसके अंदर प्रोटॉन जो प्रेजेंट हैं वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर स्पिन करते हैं, जैसे कुछ क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं और कुछ एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं। तो जिसलिए मान लीजिए क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं तो इससे प्लस हाफ अगर हमको डेवलप हो रहा है स्पिन, तो दूसरे के अंदर माइनस हाफ स्पिन मोमेंटम डेवलप हो रहा है जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और टोटल स्पिन मोमेंटम जो न्यूक्लियर स्पिन मोमेंटम है वो जीरो हो जाता है। लेकिन कभी ऑड नंबर में अगर प्रेजेंट रह जाते हैं, एक सिंगल रह जाता है न्यूक्लियाई है में पार्टिकल, तो वहां पर प्लस हाफ या माइनस हाफ स्पिन उसके अंदर हो जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर पीएमआर किसे कहते हैं, प्रोटोन एनएमआर, जब हम प्रोटॉन लेते हैं तो उसको H1 NMR कहते हैं, कि कार्बन 13 है, फ्लोरीन है, फास्फोरस है। तो हम देखते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस क्या है। हमको पता है न्यूक्लियस के अंदर एलिमेंट में जो भी टोटल एलिमेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ये दोनों न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर यहाँ पर चक्कर काटता रहता है, और ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस अपनी धुरी पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता रहता है। लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हाफ होता है, जिसको कि हम एस से डिनोट करते हैं, और न्यूक्लियस जो है जिसके अंदर की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसका रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको कि हम आई से प्रदर्शित करते हैं, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। और ये जो आई की वैल्यू ये डिटरमाइन करती है कि एनएमआर स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। द वैल्यू ऑफ आई डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हमको पता है कि मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या। एटॉमिक नंबर क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो अगर कोई न्यूक्लियाई ऐसा हो जाता है जिसके अंदर की ऑड नंबर हो, उसका मास नंबर, टोटल मॉलिक्यूल का मास नंबर ऑड हो, या फिर यूं कह सकते हैं जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ऑड हो और जिसका एटॉमिक नंबर भी इवन या ऑड हो सकता है, तो ऐसे न्यूक्लियाई का जो इंटीग्रेटेड न्यूक्लियर स्पिन है वो हाफ, 3/2, 5/2 या 7/2, या यूं कह सकते हैं कि फ्रैक्शंस के अंदर उपस्थित रहता है। अगर एटॉमिक मास इवन है तो एटॉमिक नंबर इवन है, दोनों ही इवन है, तो उसके लिए आई की वैल्यू जीरो हो जाती है।
अगर एटॉमिक मास इवन है और एटॉमिक नंबर ऑड है तो ऐसे के लिए न्यूक्लियर जो स्पिन है आई की वैल्यू 1, 2, 3 होती है। तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल है, इस तरह के जो एलिमेंट है, वो कभी भी एनएमआर स्पेक्ट्रा प्रदर्शित नहीं करते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करने के लिए आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शन के अंदर होनी चाहिए, 1/2, 3/2, 5/2 या 7/2 होनी चाहिए, तभी वो एनएमआर स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करेंगे। या आई की वैल्यू जब फ्रैक्शन में होगी तभी वही न्यूक्लियर न्यूक्लियस जो है वो एनएमआर एक्टिव होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये न्यूक्लियाई है, जैसे प्रोटोन है, ये इस तरह से ये प्रोटोन, ये बाकी कार्बन और नाइट्रोजन, ये सब के इनके अंदर सबके अंदर जो स्पिन न्यूक्लियर स्पिन है वो हाफ रहता है, इसलिए ये एनएमआर एक्टिव है। ये सारे मॉलिक्यूल जो है इसका जो आई की वैल्यू है 3/2 रहती है, ऑक्सीजन के केस में 5/2 रहती है। तो ये सभी मॉलिक्यूल जो न्यू एलिमेंट है ये एनएमआर एक्टिव एलिमेंट है। यहाँ पर ये दूसरे स्ट्रक्चर देखिए, ये इनके अंदर आई की वैल्यू 0 है तो ये एनएमआर प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये जो एग्जांपल्स हैं, ये एनएमआर जिसके अंदर आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है, यहाँ आई की वैल्यू 3 है, तो ये एनएमआर इनएक्टिव है। ये इस तरह के जो नाभिक है वो एनएमआर का जो स्पेक्ट्रा है वो प्रदर्शित नहीं करते हैं। और जो जिसकी की स्पिन वैल्यू हाफ है या जिसके अंदर आई की वैल्यू है वो हाफ है, वो एनएमआर स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करते हैं, उसके अंदर हमको एनएमआर पीक दिखाई देती है ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर। और हमारा जो चैप्टर है वो सिर्फ प्रोटोन एनएमआर पर बेस्ड है, या हमारा न्यूक्लियस यहाँ पर सिर्फ प्रोटोन है जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हमको पता है कि प्रोटोन एनएमआर के अंदर स्पिन वैल्यू आई की वैल्यू है हाफ रहती है, और उस जो न्यूक्लियस के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, मैग्नेटिक मोमेंटम डेवलप हो जाता है, जिसको कि हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो ये आज हमने इतना ही पढ़ा, कल हम इसके का आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो सिग्नल प्राप्त होते हैं हमको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो किस तरह से प्राप्त होते हैं, क्या बेसिस है, किस लिए हमको यहाँ पर सिग्नल प्राप्त होते हैं। तो थैंक यू।